हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास और संस्कृति पार्ट टू, जिसके आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप प्लीज़ पहले पार्ट वन देखिएगा, फिर पार्ट टू देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके सामने जो बैल का आइकॉन है उसको भी दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, ठीक है। तो आप पहले टिक लगा लीजिए इसमें या सोच लीजिए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। तो कौन था? राजा जयपाल। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? पहले आप अपना टिक लगाइए, उसके बाद में देखिएगा कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन था? चरक था, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कौन सा भाई सबसे प्राचीनतम राजवंश? तो नंदवंश, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, हो सके तो इस साल SSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन थे? तो नरसिंह देव थे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? देखिए, तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में। तो कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके बाद 1192 में फिर से इन दोनों का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो कब हुआ? 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी और पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? टिक लगा लीजिए पहले। तो 1296 में। अकबर ने 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की, उस समय वहाँ का राजा कौन था? कौन था भाई? टिक लगा के देखिए, जल्दी से देखिए। तो वो कौन राजा कौन था? रामचंद्र, ठीक है। जहांगीर किस कलाकार को नासिर उल अस की उपाधि दी गई? जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल अस की उपाधि दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर को। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? देखिए, राजतरंगिणी के बारे में बता देता हूँ। राजतरंगिणी को कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी रचित है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, या कविता के रूप में है, ठीक है। तो इसको फारसी में अनुवाद किया था मौलाना सैरी ने। मत्स्य पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है भाई हर्यक वंश का शासक? तो हर्यक वंश का शासक काकवर्ण नहीं है। अब मत्स्य पुराण क्या होता है? तो मत्स्य पुराण पुराणों में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ उनके तीर्थ व्रत यज्ञ ज्ञान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है मत्स्य पुराण में। क्रांतिकारी संगठक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? कौन थे भाई? जल्दी से टिक लगाकर यहाँ पर देखिए। तो वो थे सचिंद्र नाथ, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आया था। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? कौन था भाई? टिक लगाकर देखिए जल्दी से, आंसर मैच करिएगा। हेमुरावी, ठीक है। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाबों की लड़ाई, ठीक है। गुलाबों का युद्ध 1455 से 85 में ब्रिटेन के अनेक प्रदेशों में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के दो राजवंशों ने भाग लिया था। इसमें पहले थे लेकास्टर वंश एवं दूसरे थे योर वंश। इसमें लेकास्टर वंश की जीत हुई, फलस्वरूप ब्रिटेन में शक्तिशाली शासकों का युग आरंभ हुआ एवं ट्यूडोर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो कौन आएगा? इंग्लैंड। हर्षवर्धन का पुत्र कौन था भैया? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का पुत्र प्रभाकर वर्धन थे। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। लॉ और रिक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी सबसे सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। कहाँ कौन था? बलबन। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? जो असफल व्यवस्था थी, असफल, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक। अकबरनामा कितने खंड में है? अकबरनामा पहले मैं बता देता हूँ किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। अकबरनामा ये तीन खंड में है, कितने खंड में है? तीन खंड में है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने और 20 क्वेश्चन इसके पार्ट वन में कराया, तो टोटल 40 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आप 20-20 करके 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको एकदम रट्टा मरट्टा हो जाएंगे, ठीक है। और इनसे इधर से उधर होता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि SSC में रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके सामने जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इससे हमें जो इतनी मेहनत करते हैं हम गर्मी में, देखिए गर्मी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि पंखा कूलर ये सब कुछ चालू करके वीडियो नहीं बनाया जा सकता, एकदम गर्मी में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ इतना मेहनत करिए कि वीडियो देखने के साथ साथ में ये जो लाल बटन है वीडियो के नीचे में, इसको दबाकर हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा सहारा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।